जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फाइव इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द सेवनटींथ एंड द एटींथ ऑफ सेप्टेंबर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ठीक है so, सो बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले आर्टिकल की तो पहला आर्टिकल है बैक टू स्कूल क्या कंटेक्स है इसका तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब स्कूल्स खुल रहे हैं ग्रेजुअल वे में फेस्ट मैनो में स्कूल्स खुल रहे हैं 500 दिनों से ज्यादा के लिए इंडिया में स्कूल बंद रहे थे बिकॉज ऑफ दोइंग पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन नाउ स्कूल आर ओपनिंग अप सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसर्न टू हैव कंसर्न एंड अड्रेस द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज दे कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज है राइटिंग अबिलिटीज है मे बी ऑनलाइन एजुकेशन

पाँच सौ साढ़े पाँच सौ दिनों के दौरान जो कि बच्चों में आए हैं ताकि कैसे हम आउटकम्स जो है अकेडेमिक आउटकम्स है बेटर मॉनिटर कर सकते हैं बाय डिजाइनिंग दी दैरिकुलर डिजाइनिंग द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट वे सो दैट दे कैन अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स ठीक है सो कुछ एक रिपोर्ट आई है बाई यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक एंड ओ ई सी डी दैट फोर्टी वन परसेंट ऑफ द कंट्रीज उनका यह कहना था कि अकाडमिक ईयर जो है प्रेजेंट वाला उसको एक्सटेंड कर दिया जाए और कुछ स्पेशली स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज एंड फोर्टी टू परसेंट ऑफ द कंट्रीज रिपोर्टेड प्रायोरिटाइजिंग ओनली सर्टन कार्यक्रम एरियाज और द स्किल्स सो लेट्स ए लाइक एबिलिटी और साइंस और स्टफ लाइक दैट ताकि जो आउटकम्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स एंड लर्निंग के बच्चों के वो प्रॉपर्ली अचीव हो सके ठीक है सो लॉस इज ऑफ फाउंडेशन एबिलिटीज बिकॉज इस लॉकडाउन के पीरियड में देखिए टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेस टू फेस टीचिंग होती है खास करके छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल स्कूलिंग के लिए सो द टीचर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प देम टू डेवलप द रीडिंग राइटिंग एंड बेसिक अरिथमेटिक कैपेबिलिटीज दे काट बी डेवलप्ड थ्रू जूम और थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर दीज यंग स्टूडेंट्स राइट एक सर्वे किया गया था अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने जिसने ये कहा कि 44 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया गया था कवरिंग फाइव स्टेट्स इंडिकेटेड दैट नियरली थ्री फोर्स ऑफ द चिल्ड्रन इन दीज फोर्टी फोर डिस्ट्रिक्ट फाइव स्टेट्स इन क्लास टू चिल्ड्रन ऑफ क्लास टू हैव लॉस देर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इवन अ सिंगल वर्ड इन प्रिंट राइट right. सो so, जब ब्लैकबोर्ड के सामने टीचर जब ये चीजें लिखते हैं जब ये चीजें समझाते हैं तो बच्चों की एबिलिटी तब डेवलप होती है और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारी कंट्री में जिनके पास और जिनके पेरेंट्स के पास वो दे नॉट फॉर्चुनेट टू अफोर्ड स्मार्टफोन डिवाइस और लैपटॉप्स और स्टफ लाइक दैट जिनके थ्रू वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं क्वेश्चन ऑल्सो राइजेज टू वॉट टू टीच द स्टूडेंट्स नेक्स्ट नाउ द कमिंग आफ्टर फाइव हंड्रेड डेज अब क्या उनको पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाया जाए ताकि उनकी जो अबिलिटीज है एक तो वो रीडेवलप करनी है और आगे फर्दर डेवलपमेंट भी करनी है ना वट इज द वे फॉरवर्ड सो जो करिकुलर प्रायोरिटीज कर प्रायोरिटीज देव टू बी डिजाइन दे हैव टू बी सेट एज पर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्कूलिंग सो जैसे प्राइमरी लेवल स्कूलिंग है उसके लिए डिफरेंट नीड्स है तो उसके आउटकम्स भी डिफरेंट होंगे ठीक है सो प्रायोरिटी फोकस एट प्राइमरी लेवल शुड बी ऑन द रिकवरी ऑफ फाउंडेशन एबिलिटीज इन लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज सो दैट ये जो स्टूडेंट्स है दे कैन आइडेंटीफाई अ वर्ड इन प्रिंट दे नो वट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड दे केन रीड बेसिक इंग्लिश एंड मैथमैटिक्स और उसी तरह से सेकेंड्री एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए द कोर लर्निंग आउटकम्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड मैप टू द टेक्स बुक्स एज पर देर कार्यकुलम ठीक है नाउ टू ट्रैक द रिकवरी फ्रॉम लर्निंग लर्निंग लॉस असेसमेंट वुड बी नेसेसरी तो इसके लिए टीचर्स को भी इक्विप करना इक्विप करना पड़ेगा ताकि वो नेसेसरी असेसमेंट कर सके टीचर्स को भी अपने प्रोग्राम्स को ओरिएंट करना पड़ेगा ठीक है नाउ इंस्टेड ऑफ कि अभी बच्चे आए हैं स्कूल में पाँच सौ साढ़े पाँच सौ दिनों के बाद उनको एकदम से बहुत सारे टेस्ट दे दिए जाएं उसके बजाय इतना इत, हम टीचर्स को पेशेंस दिखानी चाहिए पेरेंट्स को भी पेशेंस दिखानी चाहिए दैट कोई और इनोवेटिव वेज के थ्रू स्टूडेंट्स को असेस कर सकें टेस्ट कर सकें मे बी थ्रू ऑब्जर्वेशन बट नॉट थ्रू रेगुलस टेस्टिंग एट द मोमेंट बिकॉज दे आर येट टू डेवलप दो स्किल्स विच दे हैव लॉस्ट इन दीज फाइव डेज एंड लास्टली बी वेरी patient विद द students बिकॉज वंस दे आर बैक टू द schools दे must नॉट रश them और पुट them इन एनी kind ऑफ स्ट्रेस टू अचीव एन academic आउटकम्स ठीक है सो बच्चों को टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी बच्चों में प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपने बहुत स्कोर करना है टेन आउट ऑफ टेन लेके आने हैं हंड्रेड परसेंट मार्क्स लेके आने हैं सो बेशेंट विद दम आई थिंक इट विल टेक सिक्स टू सेवन मंथ्स फॉर द स्टूडेंस टू अगेन री देयर माइंड सेट बिकॉज अब बहुत टाइम बाद स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं सो दिस पेशेंस हैज़ टू भी शोन बाय द टीचर्स एंड द पेरेंट्स अलाइक सो इन फ्यूचर the, the required लर्निंग आउटकम्स कैन बी अचीव्ड चलिए अगला आर्टिकल है जी ये ऑकिस अलायंस के बारे है ऑस्ट्रेलिया यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलायंस तो ये बहुत चर्चा में है न्यूज में पिछले दो तीन दिनों से खास करके इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें सो so, इसके क्या हाईलाइट हैं सो यूएस हैज्वाइंड अद यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू अनाउंस अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप दस ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएसए एम क्या है एम सो दिस दिसयस इज सेटअप इन कंडेक्स ऑफ द इंटो पैसेफिक रीजन सो एम इज टू इंश्योर दैट देर विल भी इंडियोरिंग फ्रीडम एंड ओपननेस इन द इंडो पैसिफिक अब यूएस का यह कहना है कि देखिए ये हम चाइना सेंट्रिक अलायंस नहीं बना रहे हैं क्योंकि चाइना को इस बात का अप्रिहेंशन है कि देखिए यूएस ने क्वाड भी बनाया अब ये ऑकस भी बना दिया ठीक है तो इसके चलते यूएस क्या प्रूफ करना चाहता है बट यूएस इज सेंग एट नो व नॉट ट्राइंग टू इंटीब्रेट चाइना इट इज जस्ट टू मेन आर सुप्रीमिस एंड आर सिग्निफिकेन्स इन द इंडो पेसिफिक रीजन राइट नाउ दिस अलायस कॉम्प्लीमेंट सेवरल प्री एग्जिटिंग अग्रीमेंट्स फॉर एग्जाम्पल द फाइव वाइज इनिशिएटिव एशियान एंड द क्वार सो अगर फाइव वाइज इिशिएटिव की बात करें तो फाइव वाइज इनिशिएटिव वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन फोर्टी वन अंटर द अलांटिक चार्टर इसमें कौन सी कंट्रीज आती है यूएस आ जाता है यूके आ जाता है यूएसए आ जाता है कैनेडा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है न्यूजीलैंड आ जाता है तो ये पांच कंट्रीज आ जाती है फाइव आइजेंट फाइव वाइज अलायंस में ठीक है सो दिस इज अ वेरी ओल्ड अलायंस ठीक है अब इस पर्टिकुलर अलायंस का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशू क्या रहा है वो ये है जो अभी सामने आ रहा है ड्यूटोरियल में दैट इसमें यूएस हैज प्रपोज के हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड न्यू नॉट सो वी विल बी ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन कंटेक्सट ऑफ द सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया विद इन द नेक्स्ट एटीन मंथस सो अगेन दे आर नॉट दैट हम न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स ट्रांसफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को

फ्रांस की बात करें तो फ्रांस क्यों खुश नहीं है बिकॉज फ्रांस ने 2016 में एक अग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां पे सबमरीन डील साइन करेगी थी दैट दे विल प्रोवाइड देस टू ऑस्ट्रेलिया एंड दिस डील वाज वर्थ 40 बिलियन डॉलर्स अब जब यूएस ऑस्ट्रेलिया को सीधा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे कैसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जा सकते हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में भी एक uh, तनाव आएगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया विल बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूके दैट द यूएस एवर शेडेड न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी विद अगेन आई रिपीट न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नहीं ट्रांसफर हो रही है न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी क्या है वो ट्रांसफर हो रही है ताकि ऑस्ट्रेलिया उस टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यूक्लियर सबमरीन बना सके अब बात यह आती है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन क्यों बनानी है वाइज यूएसएंग कार वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाए बिकॉज अगेन अब वो डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे चाइना को काउंटर करने के लिए है बट सो दैट जो नेवर्नस ऑस्ट्रेलिया के वो मेंटेन हो सके और जो चाइना को एक इनडायरेक्ट जो इंडरेक्ट एक चैलेंज देने की बात आती है बट अगेन चाइना की न्यूजीलैंड प्रीमियर जसिन आर्डन टू वरी बिकॉज ऑस्ट्रेलियाज न्यूक्लियर पावर साम्बरीन वुड नॉट बी अलाउड इन टू द न्यूजीलैंड इन टू न्यूजीलैंड टेरिटोरियल वॉटर्स ठीक है सो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव दिस एग्रीमेंट सिंस नाइनटीन एटी फोर ट नो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन वुड बी अलाउड टू एंटर इंटू द टेरिटोरियल वॉटर्स ठीक है चाइना चाइना की बात करें तो चाइना ने अपने कंसर्न यहां पर स्टेट करे हैं दैटे लिए टारगेट किया जा रहा है अलायंस बिकॉज ऑब्वियसली क्वारड को भी देखिए क्वारड बहुत चर्चा में था अर्ली दिस ईयर और उसके चलते चाइना को क्वाड की भी बहुत इनसिक्योरिटी थी ठीक है कि हमको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है अब क्या अगेन हमको काउंटर करने के लिए चाइना कह रहा है कि आपने ऑकस बनाया और वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे रहे हो क्या चाहते हो आप ये चाइना का कहना है कि क्या चाहते हो आपके इंडो पैसिफिक रीजन जो है कोई वो वॉर थिएटर बने कि वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात क्यों होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में तो ये बात चाइना कह रही है और चाइना ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है अलायसेज शुड कन्फर्म टू पीस एंड डेवलपमेंट तो चाइना ये बात कह रहा है जो कि खुद इंटरेस्टिंगली चाइना का क्या रिकॉर्ड है पीस एंड डेवलपमेंट का चाइना तो अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी के थ्रू मस्कुलर पॉलिसी के थ्रू कितना डोमिनेट करता है साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज को चाहे वियतनाम हो ताइवान हो फिलिपींस हो अब चाइना कह रहा है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है कि ये पीस और डेवलपमेंट के विरुद्ध वाली बात है कि आप वहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाने की बात कर रहे हैं सो ये चाइना का कहना है सो कंक्लूजन अब अगेन जैसे मैंने बोला यूएस ने बोला कि भाई हमने कोई चाइना का मेंशन नहीं करा कि हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं ये तो यूएस कह रहा है बट हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्टली दिस अलायंस इज फॉर्म टू काउंटर द चाइनीज हेजमन चाइनीज डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन और इसके अलावा ठीक है चलो ऑप्विज़ बना दिया बट उसके अलावा ये जो स्ट्रेटिजिक ऑपरेशन है अगर यूएसए ऑस्ट्रेलिया के टुवर्ड्स बहुत यू नो काइंड हो रहा है उसको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की बात हो रही है तो ये जो कॉपरेशन अगर करनी ही है तो भाई इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर लो इंडिया जापान एंड साउथ कोरिया को आफ्टरऑल इंडिया और जापान जो है वो क्वाड के भी पार्टनर्स हैं अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलियन यूएसए तो ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को और फर्दर डीपन किया जा सकता है तो ये भी यहां पे कंक्लूजन निकल के आता है अगेन ऑकस को लेकर और आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है तो अगेन इसके हाईलाइट्स की हम बात करें तो अब ये आर्टिकल में क्या रेलिवेंट बातें जो आई हैं पांच छह बातें जो यहाँ पे रेलिवेंट आई वो ये है

So, जो 38 एट कंट्रीज हैं इन दी इन द इंडो पैसिफिक रीजन एन इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे दो ओशन आ जाते हैं इंडियन ओशन भी आ जाता है और पैसिफिक पेसिफिक ओशन भी आ जाता है तो ऑकस का जो एम है वो ये है दैट वी आर फॉर्मिंग दिस मिलिट्री दिस सिक्योरिटी लाइन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दी अर नेशन इन्वॉल्व इन दिस रीजन अगेन अमेरिका सिंग दट नो लुक वी आर नॉट काउंटरिंग द चाइनीज हम चाइना के अगेंस्ट नहीं अलायंस बना रहे हैं बट द वेरी फैक्ट दट इफ यू आर फॉर्मिंग एन अलायंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दीज में इन द इंडो पेसिफिक रीजन देन डेफिनेटली वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा रहा है मंगोलिया के अगेंस्ट तो नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा ठीक है सो ऑब्वियसली चाइना के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है नाउ दिस इज बिग ब्लो टू चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशन वाई बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड रिलेशन है दैट इज वर्थ टू हंड्रेड बिलियन डॉलर और चाइना सबसे बड़ा बायर है ऑस्ट्रेलिया के आयरन ओर का सो दिस विल ऑब्वियसलीस अ लिटिल डिसहार्मनी इन द रिलेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो चाइना इज बीजिंग इज मोर रैटल्ड बाय द ऑकस दैन बाय द क्वाड बिकॉज यहाँ पे अनलाइक इन क्वार क्वार में तो यूएस ने कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात नहीं करी बट यहाँ पे तो कैटेगोरिकली यूएस इज ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी केपेबिलिटी टू ऑस्ट्रेलिया देर बाय इज इंक्रीजिंग ऑस्ट्रेलिया कैपेबिलिटीज तो अब चाइना को इस पर्टिकुलर अलायंस से ज्यादा एक थ्रेट है सो इन द फ्यूचर यूएस अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कर रहा है यूएस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें तो आगे यूएस अब यूएस है अमेरिका अमेरिका है वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है तो यूएस ये मैसेज भी देना चाह रहा है चाइना को दैट लुक अगर आज हम ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें कल किसी और देश को भी कर सकते हैं ठीक है सो so, ये बात यूएस इन कन्वे करना चाहता है थ्रू दिस अलायंस यू यू नेवर नो कल को ऑस्ट्रेलिया ये टेक्नोलॉजी मे बी इंडिया को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दे ताइवान को फिलिपींस को यू नेवर नो वट विल हैपन बट दिस इज अ मैसेज विच यूएस इज गिविंग आउट ओके okay. अगला आर्टिकल ये हिंदू में आया जी कल बिल्डिंग अ रिजिलियंट इकोनमी सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई है uh, रिपोर्ट ये पिछले चालीस सालों से आ रही है सो हर साल आती रहती है ठीक है सो इसके हाईलाइट क्या हैं इस रिपोर्ट के बहुत ब्रीफली बात करते हैं दैट इंडिया ग्रोथ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी इज एक्सपेक्टेड टू बी एट सेवन पॉइंट टू परसेंट विच दे बिलीव इज वेरी फेर इनाफ इट इज गुड इनफ एंड क्वाइट डीसेंट एज कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इवन एज्यूमिंग दट तो अगली बात ये कहते हैं खत्म भी हो जाता है एवरी थिंग्रोल इज स्टिल नॉट वेरी रन इतना हेल्दी ग्रोथ इंडिया को और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को देखने को नहीं मिलेगा जो फिजिकल ईयर है वहां पर यह कहा गया कि दैट तो इंडिया की जो ग्रोथ होगी मे बी कुट सेट ऑल्सो सो दे बी ग्रोथ इन द डिप एट इन द लॉन्गर रन लेट सेफ फोर टू फाइव इयर तो यहां पे इस रिपोर्ट में सपोर्ट किया गया जो इंडिया का प्रपोजल था इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी ओरिजिनल कोविड वैक्सीन पेटेंट होल्डर्स हैं जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया मोडरना हो गया फाइजर हो गया कि भाई ये जो सब कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं ताकि ये वैक्सीन हम डेवलपिंग कंट्रीज में भी बना सके तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर किया जाए ठीक है अंडर द ट्रिप्स रिजीम ताकि जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वैक्सीन्स बनाने में तो वो टेक्नोलॉजी आप हमको भी बताइए बिकॉज अभी हम महामारी से लड़ रहे हैं पैंडमिक से लड़ रहे हैं और हमने बहुत जल्द बहुत कम समय में हमको सबको वैक्सीन सबको वैक्सीन देना है ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी स्पेशली जब सेकेंड वेव कि uh, जब ड्यूरेशन थी जब सेकंड वेव आया हुआ था तो जब हम मे जून की बात करें तो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज कहती है कि अगर हमने अपने लोगों को बहुत जल्दी वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए हमको वैक्सीन्स यहाँ पर बनानी पड़ेंगी सो अपार्ट फ्रॉम कोविशील्ड एंड वैक्सीन विल ऑल्सो हैव टू मैनुफैक्चर वैक्सीन फ्रॉम दी अदर कंपनीज लाइक फाइजर जॉनसन एंड जॉनसन डरना तो यू एन सी टी एडी ने अन यू एन सी टी एडी ने यह बात सपोर्ट करी है इंडिया की दैट फाइन दैट द डिमांड फॉर इंडिया फॉर अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेवर इज जस्टिफाइड देन नेक्स्ट इज रिजिलियंट ग्रोथ इज मच नीडेड इन द वेक ऑफ यू नो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल द इवेंट्स इवेंट हॉपनिंग उसके लिए रिजिलियंस बहुत जरूरी है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में भी ठीक है सिग्निफिकेंट सपोर्ट यहां पर रिक्वायर्ड है स्पेशली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज Uh, ताकि वो फाइनेंस दे सकें वो फंड कर सकें सॉरी सिग्निफिकेंट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ताकि वो फाइनेंस कर सकें सपोर्ट कर सकें टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ बिकॉज देखिए जो क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बेटर अगर हम ग्रीन हाउस गैस मिशन रिडक्शन की बात करें मिटिगेशन की बात करें तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है वो बहुत फंडिंग रिक्वायर करती हैं तो वो फंडिंग डेवलप्ड देश ही दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी अपनी उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं बहुत लिमिटेड है उनकी अपनी एस्परेशंस हैं तो अगर हम सिग्निफिकेंट साइज़ ऑफ द मनी वी एंड अप स्पेंडिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज एंड वी वुड बी वी वुड बी लेफ्ट बिहाइंड विद वेरी लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन द पुअर पीपल तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का हाथ पकड़ के उनकी मदद करनी पड़ेगी ठीक है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज Now, रिवर्स पब्लिक सेक्टर सो the सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करें तो अगेन नाइनटीन आइंटी वन से अगर हम इंडिया कंटेक्स में बात करें तो पिछले तीस सालों में हम देख रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स बढ़ रही हैं प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है बट इसके चलते इस रिपोर्ट में ये बात करी गई है दैट जो पब्लिक सेक्टर है उसकी रेलिवेंस अभी भी बहुत ज्यादा मानी अभी भी बहुत ज्यादा मानी जाएगी स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना हैज रीन फोर्स द आइडिया दैट स्टेट इज रेलिवेंट यू कैनॉट आउटसोर्स एवरीथिंग टू द प्राइवेट सेक्टर राइट सो चैलेंजिंग ऑफ मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द प्राइवेट सेक्टर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ठीक है सो इट दो दिस मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्स ओनली द स्टेट ऑल्सो हैज टू प्ले इट्स रोल सो अभी भी देखिए कितनी सारी जब कोरोना के टाइम पे हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं कितने सारे आर्टिकल्स पीछे भी आए थे जहां पे यह बात करी गई थी दैट स्टेट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिमांड बढ़ सके तो स्टेट का जो रोल है वो बहुत रेलिवेंट है चाहे जितना मर्जी प्राइवेट इकॉनमी हो जितना मर्जी हम मार्केट इकॉनमी के टूवर्ड्स मूव करें जितना मर्जी हम प्राइवेटाइज्ड हो बट स्टेट की रेलिवेंस रहने वाली है अगली बात इस रिपोर्ट में करी गई है बिकॉज स्टेट वेलफेयरिज्म की बात हुई है तो अगली बात यहाँ पे ये यह भी करी गई है दैट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी रेलेवेंट रहने वाले हैं सो so ये जो अभी रश है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स का या बहुत सारे यू नो छोटे छोटे बैंकों को मर्जर करके एक बड़ा बैंक बना दिया मेगा बैंक बना दिया दिस इज नॉट द सोल्यूशन एज पर दिस रिपोर्ट सो दिस रिपोर्ट इज सेम दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रेलिवेंस है और उनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए जो रेगुलेटरी ओवरसाइट होनी चाहिए दैट शुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ फेसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिजीम बन सके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बन सके तो यहाँ पे रेगुलेशन के कंटेक्स में ये बात करी गई है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिलेवेंस की बात करी गई है और उसके चलते जैसे अब आप जानते हैं कोरोना के चलते बहुत सारे इंप्लॉयज़ को ले ऑफ करा जा रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कट किया जा रहा है अब इसके चलते यहाँ पर ये बात भी करेगी दैट दिस इज नॉट वेरी गुड कि आप स्पेशली अगर हम इन फॉरनल सेक्टर एम्प्लॉयज की बात करें तो इन द वेक ऑफ दिस

सो so, ये किस कंटेक्स में है दैट वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज रेलिवेंट टू दी पोलिटिकल इकोनॉमी ठीक है देखिए अब इन्फ्लेशन को लेके महंगाई को लेके तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इंप्लॉयमेंट को लेके भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है बट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके इतनी बात क्यों नहीं होती है ठीक है अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें जॉब्स की बात करें तो सरकार क्या करती है सरकार ज़्यादा ज्यादा रिजर्वेशंस निकाल देती है रिजर्वेशन बढ़ा देती है ठीक है इन्फ्लेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि अगर प्याज के दाम बढ़ते हैं तेल के दाम बढ़ते हैं तो सरकारों का फ्यूचर इन चीज़ों पर डिपेंड करा जाता है बट अनइंप्लॉयमेंट को लेकर इतनी बात क्यों नहीं एड्रेस करी जाती है ठीक है सो हाई एंड राइजिंग अनइंप्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों ही एक कर्स है स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी लाइक इंडिया तो ये दोनों ही चीजें एक दिस इज नॉट गुड फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया सो इन्फ्लेशन दैट वील्ड्स पॉलिटिकल पावर्स इट हर्ट्स द पॉपुलेशन एंड कैन अपसेट फाइनेंशियल मार्केट्स तो ये हम जानते हैं महंगाई जो है वो सरकारों को डुबा सकती है लोगों को देखो जब जेब में पिंच करेगा जब लोगों के पेट पर पे लाद पड़ेगी महंगाई के करके तो ऑब्वियसली तो लोग फिर सरकार बदलेंगे चुनाव में किसी और सरकार को चूज करेंगे ठीक है एंड दिस विल ऑल्सो एग्जर्ड प्रेशर ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स राइट ऑल्सो दिस विल एक्जर्ड प्रेशर ऑन द रेगुलेटर्स ऑन सेंट्रल बैंक फिर आर बी आई इस अकॉर्डिंगली इंफ्लेन को मद्देनजर रखते बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट मॉनिटरी पॉलिसी निकालेगा जिसके चलते फिर कैपिटल ज्यादा इज़िली अवेलेबल नहीं होगा तो दिस विश्व साइकिल यू नो रिपीट्स फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें दिस इम्पैक्ट्स नॉट ओनली ऑन द अनएम्प्लॉयड बट आल्सो हु डोंट काउंट हु सो दिस डायरेक्टली इंपैक्ट्स ओनली द अनएम्प्लॉयड एंड हु डोंट काउंट मच जो सोसाइटी कहती है दैट ये अनएम्प्लॉयड लोग ये कहते हैं अनएम्प्लॉयड करके बिकॉज इनके पास इनके उनके इनके पास खुद में कोई कैपेबिलिटी नहीं है कोई टैलेंट नहीं है कोई खुद में शॉर्ट है दैट इज अ रीजन दैट दे आर अनएम्प्लॉयड ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो हमारे पास टैलेंट की पोटेंशियल की कमी नहीं है हमारे यहां पे जो एवरेज सिटीजन की एज है इंडिया में जो मीडियम एज है वो ट्वेंटी एट ओल्ड है और हर कोई एजुकेटेड है हर कोई टैलेंटेड है लेकिन उसके पास ऑपरचुनिटीज़ नहीं है अपना टैलेंट दिखाने की तो ये कहना कि बिकॉज इंडिविजुअल की कोई शॉर्ट कमिंग है इस करके वो बेरोज़गार है ये बात गलत है ठीक है तो यहाँ पे रोल सरकार का आता है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव रोल वो प्ले कर सकते हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो द अनएम्प्लॉयड आर सीन एज इन कि वो पढ़े लिखे नहीं है बैकवर्ड एरिया से आते हैं ठीक है स्मार्ट नहीं है ये सब चीज़ें ऐसी धारणा अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे कही जाती है वो इस करके बेरोजगार हैं बट लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब्स इन एन इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट मेरिट्स मोर एनालिटिकल एंड पॉलिसी अटेंशन दैन द पॉलिटिकल अटेंशन विच इज गिवेन इन द कंटेक्स ऑफ रिजर्वेशन ठीक है सो रिजर्वेशन के अलावा इस अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यू को कितना साइंटिफिकली स्टडी किया जा रहा है ठीक है कैसे रैशनली स्टडी किया जा रहा है वो बात आती है सिर्फ रिजर्वेशन देने से आप जो बेरोजगारी है कम नहीं कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द मेजर ऑफ द इकॉनमीज इन एबिलिटी टू प्रोवाइड जॉब्स ओनली फॉर दोज हुक ठीक है तो इंडिया की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है दैट इज अराउंड फोर्टी परसेंट ये बहुत कम है ग्लोबल जो रेट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो सिक्सटी परसेंट है ठीक है प्रॉब्लम क्या है गुड क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स जो है इंडिया में वो बहुत कम है देखिए अब बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं मेजॉरिटी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं अब जो मेजॉरिटी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज हैं वो टैलेंटेड भी हैं स्किल्ड भी हैं लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो अच्छी फॉर्मल सेक्टर वर्क में आ सकें ठीक है so, सो ये एक प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव गुड क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स ओवर हेयर इन इंडिया एंड क्वाइट फनी दैट अगर आप ये डेफिनेशन के हिसाब से दैट यू आर डिक्लेयड एम्प्लॉयड ओनली इफ यू आर एंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट फॉर वन आर इन एनी ऑफ द पास्ट सेवन डेज यानी कि पिछले सात दिनों में अगर आप कहीं पे भी एक घंटा काम करें थे, तो आप एम्प्लॉयड माने जाते हैं क्या ये वाकई में इंप्लॉयमेंट uh, होती है आई I मीन mean, इस तरह का मजाक करना कि एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि भाई जो कोई भी सात दिनों में घंटे के लिए काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है सो दिस इज़ टोटली नॉन सेंसिकल देर आर ओनली एट्टी मिलियन सैलरड जॉब्स इन इंडिया वॉट अबाउट द अदर नाइन ट्वेंटी मिलियन पीपल वो आर वर्किंग इन द इन फॉर्मल सेक्टर जो फार्म में काम कर रहे हैं जो जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड इन द फॉर्म सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ऐसे भी होते हैं जो कि स्मॉल ऑन्टरप्रीनोर होते हैं ठीक है जिनके पास ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं होती लोन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड तो फार्मर्स भी होते हैं वो अपने फार्म पर काम कर रहे हैं सो बट आर दे यू नो आर दे इन द पार्ट ऑफ द फॉर्मल जॉब्स नो आर देर यू नो आर दे इम्प्लॉयड नो दे नॉट एम्प्लॉयड ठीक है सो जस्ट बिकॉज दे डूइंग सम एक्टिविटी डज नॉट मीन दैट देयर एम्प्लॉयड सो वी नीड टू ब्रिंग दीज पीपल एंड टू द फॉर्मल वर्क फोर्स एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग द इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो हम ये नहीं कह रहे कि इनफॉर्मल सेक्टर को डिमिनिश किया जाए बट गुड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करनी बहुत जरूरी है ताकि हमारी इकॉनमी में जो बहुत ज्यादा प्रेशर फार्म जॉब्स पे है वो कम हो सके और जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं उस पर थोड़ा फोकस बढ़ सके अगेन आई एम रिपीटिंग इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है एक एफिशिएंट फॉर्मल सेक्टर बनाने की बात हो रही है सो वे फॉरवर्ड सो प्री पैंडेमिक यानी कि अगर पैंडेमिक से पहले की भी बात करें तो 39.5 यानी कि क्लोज टू 40 परसेंट ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड

It cannot be the desire of a nation like India, like an aspiration like India, that we move away from high productivity and better quality jobs. Uh, और वो कहाँ पे आएगी हाई प्रोडक्टिविटी और बेटर क्वालिटी जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में आएगी और अगर हम वहाँ से मूव करके लो प्रोडक्टिविटी इंप्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में जाएँ तो दैट इज़ नॉट विच शुड बी डिजायर्ड एट द सेम टाइम देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हम बढ़ाना चाहेंगे हम ये नहीं कहते कि एग्रीकल्चर बुरा है एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो भी सीन एज अ कमर्शियल वाइबल ऑप्शन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार अपनी योजनाएं लेके भी आ रही है बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहेंगे कि हम ज़्यादा जॉब्स नॉन फार्म सेक्टर में ना क्रिएट करें गुड क्वालिटी जॉब्स आर वेरी सेंसड टू बी क्रिएटेड इन द नॉन फार्म सेक्टर और अ लार्ज पार्ट ऑफ द दूशन इज द लैक ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द दोल्यूशन टू दिस लैक ऑफ एजुकेट एडुट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स ठीक है सो सो वी हैव टू क्रिएट अ वेरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट ओवर इन इंडिया दैट मोर कैन कम ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा ज्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज वुड भी सेटअप मार्केट्स वुड भी सेटअप एंड मोर इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की कमी है चलिए सो so, दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम ट्यूजडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए प्रिलिम्स पास में है उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है सो मिलते हैं जी ट्यूसडे को थैंक यू जय हिंद